नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि पासवान। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवती के साथ हुई हत्या के खिलाफ आज राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश विज व नगर अध्यक्ष सोनू खैरवाल के नेतृत्व में नगर निगम देहरादून के तहसील चौक पर आक्रोश रैली निकाली गई। साथ ही तहसील चौक पर उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला जलाया गया, जिसमें राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ जुड़े सफाई कर्मचारी व समाज के लोगों के आक्रोश जताया और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग। पुतला दहन राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के तत्वावधान में किया गया है। हमने राष्ट्रपति महोदय से हाथरस कांड में बहन मनीषा वाल्मीकि के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है और उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया गया है और साथ ही हमने राष्ट्रपति महोदय से उत्तर प्रदेश योगी सरकार बर्खास्त करने की मांग की है। नरेश वैद प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ। अभी के लिए इतना ही काफी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज के साथ।